मार्टिन स्कॉर्सेसी, टैक्सी ड्राइवर, रेजिंग बुल और गुड फेलास समेत कई कालजयी फिल्मों के डायरेक्टर। उन्होंने एक भारतीय फिल्म के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा और तमाम लोगों से उस फिल्म को देखने की गुजारिश की। उनकी फिल्म फाउंडेशन ने 1989 में आई मलयाली फिल्म कुमाट्टी को रीस्टोर किया है। रीस्टोर करने का मतलब समय के साथ जिन पुरानी फिल्मों के रील्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखने में दिक्कत आती है, उन्हें ठीक करने के बाद देखने लायक बनाने को रीस्टोरेशन वर्क कहा जाता है। खैर, मार्टिन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, इसमें उन्होंने कुमाट्टी के द फिल्म फाउंडेशन रीस्टोरेशन स्क्रीन रूम में प्रेजेंट करने की जानकारी दी। यहाँ इसे 11 जुलाई की शाम 7 बजे दिखाए जाने की बात कही गई। इस घोषणा के बाद उनके कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ गई। भारतीयों ने कमेंट करने शुरू किए कि ये भारतीय और मलयाली सिनेमा के लिए गर्व का पल है। एक्टर रणवीर सिंह ने भी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में हार्ट इमोजी डालकर अपनी खुशी जाहिर की। कुमाट्टी के रीस्टोर वर्जन के प्रीमियर की घोषणा करते हुए मार्टिन स्कॉर्सेसी ने लिखा, कुमाट्टी मध्य केरल के एक लोक कथा का अडेप्टेशन है। ये कुमाट्टी नाम के थोड़े पौराणिक और थोड़े वास्तविक जादूगर की कहानी है। फिल्म स्वीट एंगेजिंग स्टोरी का एक कमाल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मार्टिन ने इसे मस्ट वॉच फिल्म बताते हुए लिखा, इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए, खासकर जब ये भारत के बाहर ज्यादातर हिस्सों में देखने के लिए उपलब्ध नहीं थी। स्कॉर्सेसी की फिल्म फाउंडेशन ने अप्रैल में एक रीस्टोरेशन स्क्रीनिंग रूम लॉन्च किया था। उसके तहत फाउंडेशन की मदद से रीस्टोर की गई फिल्मों को दिखाया जाएगा। स्कॉर्सेसी स्क्रीनिंग रूम को कैंट जोन के साथ क्यूरेट कर रहे हैं। इसमें उन क्लासिक फिल्मों को रीस्टोर करके दिखाया जाता है जिनका कलर पैलेट बहुत पुराना हो गया है या नेगेटिव्स खराब हो गए हैं। इस मुहिम के तहत 1945 में आई आई नो वेयर आई एम गोइंग स्क्रीन होने वाली पहली फिल्म थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में फेलिनी समेत कई अन्य सिनेमाई जीनियस की फिल्मों को रीस्टोर किया जाएगा। जुलाई 2001 को कुमाट्टी को रीस्टोर करने की घोषणा की गई थी। उस समय इस फिल्म के लिए स्कॉर्सेसी ने कहा था, अरविंदन एक विजनरी डायरेक्टर थे और कुमाट्टी उनकी महानतम फिल्म थी। फिल्म फाउंडेशन वर्ल्ड सिनेमा प्रोजेक्ट इसे एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाएगा, जो कि ये फिल्म डिजर्व करती है। हम इसे सिनेमा की एक तगड़ी खोज बनाएंगे। कुमाट्टी मलयालम निर्देशक गोविंदन अरविंदन की 1989 में आई एक लोक कथा पर आधारित फिल्म है, जिसमें कुमाट्टी नाम का एक थोड़ा वास्तविक और थोड़ा मिथकीय जादूगर जो बुगीमैन टाइप का किरदार है, वो एक गांव जाकर बच्चों के साथ जादुई खेल खेलता है। वो अलग अलग जगहों की यात्रा में बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, डांस करता है और उन्हें जादू दिखाता है। ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के दौरान वो गाँव के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और जादू करते हुए उन बच्चों को इंसान से जानवर बना देता है। पर एक बच्चा जिसे कुत्ता बनाया गया था उस मोमेंट को मिस कर देता है जब कुमाट्टी बच्चों को दोबारा जानवर से इंसान बना रहा होता है। उस बच्चे को कुमाट्टी के गांव लौटने तक एक साल इंतजार करना पड़ता है। कुमाट्टी लौटता है और उसे इंसान बनाकर खुद प्रकृति में घुल जाता है। इस फिल्म में एन करुण ने सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा संभाला है। एमजी राधाकृष्णन और अरविंदन ने इसमें म्यूजिक दिया था। इसमें कुमाट्टी का किरदार एक्टर अम्बाल पुडा खुन्नी ने निभाया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।